जय हिंद, नमस्ते साथियों। आप सभी को बता दूं, फ्रंट पेज पर ही आप देख रहे होंगे PNST जो आपका 2022 में ये आया है। तो इसके लिए सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सर इन 50 डोज में, देखिए सिलेबस तो आपका गैस 4-5 पेज का है, आप लोग देख लीजिए। PNST जो आपका इन्होंने PNST वालों ने क्या किया है, आपको सिलेबस दिया है, ये आप लोग देख लीजिए, ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है भाई साहब, अगर हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे तो गाइस यहाँ पर आधा घंटा लग जाएगा। कितना लगेगा सर जी? 30 मिनट हमें लग जाएगा अगर हम लोग इसे जो है पढ़ते हैं। तो अब क्या करें सर जी? तो साथियों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका यहाँ पर इन्होंने सिलेबस जो दिया है तो उसका मैंने निचोड़ निकाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए वही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर ये वाला चाहिए आपके लिए तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो भी बच्चा इंग्लिश वाला होगा तो इंग्लिश में पढ़ सकता है, पर मैं आपको पूरा सिलेबस जो एनालिसिस करवाने वाला हूँ टोटली हिंदी में करवाने वाला हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे जो है वीडियोस आपको मिलते रहें। देखिए साथियों, आपको बता दूं कि हम लोग जो है इसमें चर्चा करने वाले हैं आपका टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है। टॉपिक वाइज आपका मैं सिलेबस जो है अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक 2020 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर कौन सा टॉपिक जो है आपको अधिक पूछा था। और जो हमारे पास 50 डेज बचे हुए हैं तो हम इस 50 डेज को कैसे यूज़ करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, कहाँ से अधिक सिलेबस कंप्लीट करने वाले, ये सारा कुछ आपके समक्ष जो है अभी होने वाला है। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ जाइएगा। देखिए साथियों, आपका पेपर कितने घंटे का होगा? तो आपका पेपर होगा जो है गाइस 2 आवर, ठीक है, 2 आवर्स का पेपर होगा। मैं आपको रूल बुक में भी एक बार बता दूंगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको रूल बुक में लेके चलता हूँ, वहाँ से बताते। जी हाँ साथियों, देखिए आपका जो एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होगा। कितना एग्ज़ाम होगा बच्चा? तो आपका जो पेपर होगा 2 घंटे की अवधि में होगा और आपको 150 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए, हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले थे, आपको टाइमिंग मैंने बता चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके बायोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन की पूछा जाएगा, जूलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की होगी, फिजिक्स आपकी 30 मार्क्स की होगी और केमिस्ट्री आपकी 30 मार्क्स की होगी, और ऑल ओवर आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखिए ये जो पेपर होने वाला है आपका, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है आपको पता है 1.5 से 2 साल हो चुका है, कंप्लीट जो वैकेंसी नहीं आई थी और इस बार 810 जो है DME की वैकेंसी जारी हुई है। तो यहाँ पर मान के चलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, जी हाँ आपको बता दूं कि कट ऑफ क्या रहेगा, आपको ओनली 75 गाइस 50% मार्क्स लाना है। आप लोग किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कोई भी इशू नहीं है इसका, आपको ओनली 50% मार्क्स लाना है तो आपका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब ये तो बात हो ची। और UR वालों को तो भाई साहब थोड़ा ज़्यादा ही मार्क्स लाना पड़ता है, पर OBC ST SC EWS वाले कैंडिडेट को इतने ही मार्क्स में 75 मार्क्स में इनका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए मैं आपको सिलेबस डिस्कस करते हैं आपके सामने। पहले मैं आपको बताऊँगा बायोलॉजी वाला, कौन सा सर जी? पहले आपको बताएंगे बायोलॉजी का जो आपका जूलॉजी वाला है, ठीक है, बॉटनी वाला, जूलॉजी वाला, दोनों ही बताएंगे आपको, एक तो बॉटनी वाला एक तो जूलॉजी वाला। तो पहले बॉटनी वाला आपके समक्ष डिस्कस करते हैं। मानव विकास आपसे आपको पढ़ना है, जैविक विकास का सिद्धांत, वन्य संरक्षण, कैंसर के प्रकार, जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास का सिद्धांत, मादक जो है पदार्थों का मादक पदार्थ पढ़ना है, ठीक है, आर्नीथिक जूलॉजी पढ़ना है और द्विपाद और त्रिपाद संरचना पढ़ना है। मोस्ट आपको यह ध्यान रखना है गाइस कि आपको जितना भी जो है यहाँ से लाइव क्लास के द्वारा पढ़ाया जाएगा उतना ही आपको जो है पढ़ना है, और जो है अगर आप लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए आप लोग पुरानी चीज़ों का ही रिवीजन करिएगा। अब बात करते हैं हम लोग जूलॉजी की, तो बच्चा जूलॉजी में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पशु, आपका जीवन की संरचना और कार्य, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी, सबसे ज़्यादा अनुवांशिकी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, टिशूज़ पढ़ने वाले हम लोग, और आपका जो है
जो मानव से रोग है, आपका जो है बहुत ही अच्छे से मानव की संरचना, ये सब कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये सब कुछ अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तो बात हो गई आपकी जूलॉजी और बॉटनी की, ठीक है बच्चा। तो जूलॉजी और बॉटनी की जो कीट से होने वाले ग्रोथ, प्रोटोजोआ क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग जो है, ठीक है बच्चा, अब हम लोग आते हैं सर जी यहाँ पर फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको टॉपिक का नाम बता दूँ, ठीक है। आपको टॉपिक का नाम ध्यान रखना है कि चुंबक, चुंबक से दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। विद्युत प्रवाह हो गए, बिजली होगी, प्रकाश तरंग धैर्य होगी, प्रकाश का वेग हो गया, ठीक है, जो आपका आइस वाला पार्ट है, आपका आई वाला, ये वर्क है, ठीक है, ये मोशन क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊंगा, आपको रेगुलरली क्लास को फॉलो करना है। ये यूनिट में जब आज जो आपका विमीय सूत्र वाले आपको दो क्वेश्चन पिछले बार में पूछा गया था, ये गति संरक्षण, हुक का नियम, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में है। ऑलमोस्ट मान के चलिए पूरी बुक ही आपके सिलेबस में है, तो हमें पूरी बुक ही पढ़ना है। ये मत सोचिएगा कि सर जी 10 टॉपिक पढ़ लिया हमने और पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि 50 दिन बचे गए, तो आप मान के चलिए कि हम लोग कैसा पढ़े फिर। तो हम लोग को कम पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सर जी 500 क्वेश्चन, 1000, 5000 क्वेश्चन कर लिया, पर सर जी हम करेंगे सिर्फ 500 क्वेश्चन, पर इन 500 क्वेश्चनों में हम लोग 5000 क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आया। चलिए अब आगे आते हैं, ठीक है साथियों, आगे देखिएगा सभी लोग। केमिस्ट्री में आपका ठोसों के गुण है, ये एक आपका एक परमाणु संरचना है, रासायनिक आबंध है, परमाणु संरचना है, आयाम है, फेराडेस लॉ है, आपका जो है जो आपकी मंडली पावर सारणी है, ये सब कुछ आपकी जो रिएक्शन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तीनों जो केमिस्ट्रीज होती है, वो सब कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो सब कुछ हम लोग कवर अप करेंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो है आपका उपवर्ग है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, ग्रामर्स है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है बच्चा। ग्रामर ही आपको मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, पैराग्राफ्स दिए रहेंगे, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा, और इससे ही आपको क्या होगा, इससे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए सर जी, काफ़ी बच्चा कमेंट्स कर पाता है कि सर हम लोग कौन सी बुक एफर्ट करें, कौन सी बुक ले, तो उसके लिए भी आपको बताते गाइस कि आप लोग एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है, इलेवंथ है, ये सारी की सारी NCERT बुक, NCERT बुक उठाइए और इन्हें ही जो है पढ़िए। आपको कोई दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी जो बचा हुआ जो क्वेश्चंस है आपको इन्हें एक बार पढ़ना है, और हमारी लाइव क्लासेस में विथ थ्योरी और विथ क्वेश्चन ये दोनों ही आपको वहाँ पर प्रोवाइडेड मिल रहे हैं, इसे लगाना है। आप लोग देख लीजिएगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका गाइस फिजिक्स हो, इन सभी को आपको NCERT से ही पढ़ना है, या फिर जो भी बच्चा CBSE बोर्ड से होगा वो भी गाइस बहुत ही अच्छे से, क्योंकि भाई आपको बता दूं कि अगर आप लोग MP बोर्ड की बुक से पढ़ेंगे तो भाई साहब इसका लेवल तो जीरो होता है। कैसा होता है? इसका लेवल जीरो लेवल होता है। तो इसलिए आपको इस बुक से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, फॉलो करना है NCERT बुक को ही। मैं बार बार इसलिए आपको क्लास में बोलते रहता हूँ, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा सिलेबस। तो इसी के साथ जो है, और कुछ क्वेरीज होगी तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े चीज़ों को जो है गाइस। हम लोग जो है नई नई चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको कि सर जी ये भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। हमें जो है इन जो है दिनों में, मान के चलिए इतने दिन में तो रिविज़न ही होता है। हाँ, और एक बात आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि मेरी गाइस आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, ठीक है बच्चा, प्ले लिस्ट आपको मेरी मिलने वाली है, वहाँ पर मैंने पिछले बार भी आपको पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ पर 30 से 40 बच्चा जो है यहाँ से सिलेक्ट होके गया है, तो उनसे भी बात हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है मेरी। तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट जाकर देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराया है हमने, केमिस्ट्री पढ़ाया है आप लोगों को, जो है बायोलॉजी पढ़ाया है, ये सारी की सारी क्लासेस मैंने आपको दिया है। आप लोग पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, नई क्लासेस तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, बट पुरानी क्लासेस से भी आप लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, काफ़ी सारा कंटेंट, काफ़ी सारे टेलीग्राम्स, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आपको कई
PDF मिल जाएंगे, कई 1000 क्वेश्चन वाले मिलेंगे, कई 500 क्वेश्चन वाले मिलेंगे, कई क्लास नोट्स मिलेंगे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट एक फ्री ऑफ कॉस्ट में पैकेज मिला हुआ है। इसे ज़रूर ले आप लोग और अच्छे से स्टडी करें। और जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है समाधान स्टडी से, तो बिल्कुल हमारी लाइव क्लास जो अभी जो है दो शेड्यूल मैंने सेट किया आपका, एक तो इवनिंग में 9:30 होता है और मॉर्निंग में आपका 6:30 होता है, तो दोनों को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो आपका फिजिक्स होगा 9:30 पर और 6:30 पर आपका बायोलॉजी, जो आपका जूलॉजी और बॉटनी होता है। अब इसके जो है केमिस्ट्री भी मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ 1 से 2 दिन में ही, तो उसका भी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए गाइस इसे शेयर करिएगा ताकि सारा बच्चा जो है इसे देख सके और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको पता चल चुका होगा आपको। और मोस्टली गाइस ये मत सोचेगा कि सर जी रात में सो नहीं रहे हैं, पता चल रहा सर जी एग्ज़ाम है तो रात रात भर जाग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी गलत। अगर सेहत हमारी ठीक है तो हम लोग कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग नींद ले, 11 या 12 बजे सो जाए, 4 या 5 बजे या फिर 6 बजे आराम से जगिएगा और फिर दिन भर अपनी स्टडी करिएगा। समझ में आया? चलिए आया होगा। अब तो मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।